साथ आप लोगों को देखने को दर्शन करने को मिले, बहुत सुंदर है। मैं दोनों जगह गया हुआ हूँ, द्वारकाधीश भी बहुत सुंदर मंदिर है, सोमनाथ भी बहुत सुंदर मंदिर है। तो अच्छे से आप लोग यात्रा करके आना। और अब हमारी पंजाब में भी आप लोगों के आशीर्वाद से पंजाब में भी सरकार बन गई, तो परसों से यही तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में भी चालू हो रही है। तो मैं परसों पंजाब जा रहा हूँ, इस वहाँ के भी बहुत सारे लगभग 1000 यात्री परसों एक ट्रेन जा रही है नांदेड़ में, तो वहाँ के भी तीर्थ यात्रा करने वहाँ भी शुरू हो गई है, वहाँ भी बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके आते आशीर्वाद से सरकार बनेगी, वहीं सारे बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते जाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को कैसे हराते हो, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। तो हम हराते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का आशीर्वाद उनके बड़े बड़े पार्टियों के सामने ज्यादा ताकतवर है। इतने हजारों लोगों का फ्री में इलाज कराते हैं अस्पतालों के अंदर, फ्री में दवाइयां देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, वह सब लोग आशीर्वाद तो देके जाते हैं। इतने गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा कराते हैं, स्कूल ठीक कर दिए, जिन जिन लोगों के बच्चे अच्छे बन गए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर गए, वो सब आशीर्वाद तो देते हैं। इतने लोगों को, 80,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, ये सब लोग आशीर्वाद तो देते हैं। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है, उनके पास अरबों रुपए होगा दूसरी पार्टी वालों के पास, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद ही हमको साहस देता है, हिम्मत देता है। तो आप लोग खूब अच्छे से होके आइए और खूब अपना ख्याल रखिएगा रास्ते में, और मैं भी आऊंगा आप लोगों के बीच में, एक राउंड लगा के आपके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहेगा, सबसे मिलके जाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और सूत्रधार होने के नाते, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद थे, और जो तीर्थ योजना है जिसके जरिए अब तक हजारों लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया है, और दिल्ली सरकार की इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के जरिए तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन किए हैं, तकरीबन 80,000 से ऊपर के लोग हो चुके हैं। और आज भी तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक ट्रेन द्वारकाधीश के लिए रवाना हुई है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद हैं।